तो आज का वर्कआउट खत्म करने में मेरी जान निकल गई। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने आज क्या किया। ये बात शुरू होती है कुछ दिन पहले, जब YouTube पे मुझे दो यूट्यूबर्स मिले, राहुल और अंकित। ये दोनों देसी वर्कआउट करते हैं और इनके वीडियोस देख के मुझे एक एक्सरसाइज का पता चला जिसका नाम है सपाटे। मुझे 6 दिन हो गए हैं सपाटे लगाते हुए और आज मेरा 7वां दिन। YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो सोचा थोड़ा स्टाइल पे भी ध्यान दिया जाए, तो इसलिए एक अपनी पुरानी टी शर्ट की बाजुएं काटी हैं ताकि इसे एक स्लीवलेस टी शर्ट बनाया जाए। टी शर्ट काटने में भी मुझे बहुत टाइम लग गया मगर अब स्टाइल पूरा है। तो अब शुरू करते हैं असली काम और लगाते हैं सपाटे। तो आज मैं लगाऊंगा 100 सपाटे। मैं सपाटों में नया हूँ तो हो सकता है कि सपाटे लगाने का मेरा तरीका पूरी तरह ठीक ना हो। तो अगर आप भी सपाटे लगाने का सोच रहे हैं तो YouTube पे और वीडियोस भी ज़रूर रेफर करें और सपाटे लगाने का सही तरीका देखें। पहले 30 सपाटे तो मुझसे लग गए मगर अब मुझे लगने लग गया है कि 100 बहुत दूर है। थकूंगा ये तो मुझे पता था पर मैंने ये सोचा था कि मैं खड़े होके ही 4 या 5 सेकंड रेस्ट लेके फिर से सपाटे कंटिन्यू करूंगा मगर मैं बैठने पे मजबूर हो गया।
मैं पूरी तरह थक चुका हूँ और सपाटे यहीं पे छोड़ने का पूरा मन बना चुका। मैं सांस तो ले रहा हूँ पर इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि मेरे लंग्स तक ऑक्सीजन पहुँच क्यों नहीं पा रही है। सांस तो फूल ही रहा है, इसके साथ शोल्डर्स, चेस्ट, लोअर बैक, लेग्स सब थक चुके हैं और इनमें दर्द शुरू हो गया है। थकान के साथ साथ अब इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है कि ऐसा फील हो रहा है कि अभी किसी नदी से डुबकी मार के बाहर निकल रहा हूँ। और किसी तरह आज के 100 सपाटे पूरे हुए।
जान निकल गई इन्हें पूरा करने में, पर इन्हें ख़त्म करने पे उतना ही अच्छा भी लगा। तो सपाटे इसी तरह लगाते रहेंगे और कुछ समय बाद ये भी देखेंगे कि सपाटे हमारी बॉडी को किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं।